हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको व्हाट्सएप पर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या फिर फोटो या फिर वीडियो ऑडियो किसी भी प्रकार का कोई मैसेज करता है और उसको डिलीट फॉर एवरीवन करके वो डिलीट कर देता है, तो कैसे आप उस डिलीट हुए व्हाट्सएप मैसेज को, फोटो को, ऑडियो को, वीडियो को रिकवर कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर दोस्तों केवल और केवल आपको मैसेज के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आप डिलीट हुए मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज करता है या फिर वीडियो ऑडियो कुछ भी भेजता है और उसको भी वो वहां पर डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता है, तो आप बड़ी ही आसान तरीके से जान पाएंगे कि सामने वाले ने आपको क्या मैसेज किया है, क्या ऑडियो भेजा है, वीडियो भेजा है, क्या भेजा है, उसको आप बड़े ही आसान तरीके से जान पाएंगे और देख पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये आप किस तरीके से कर सकते हैं तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, दबाकर वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन पर कि ये है वो एप्लीकेशन। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे और कहाँ से इस एप्लीकेशन को आप भी अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगी। तो एक एक करके ध्यान से आपको सभी परमिशन को कर देना है। इसके बाद यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं, ठीक है ना। सभी परमिशन को देना है आपको, अलाउ करने के बाद एप्लीकेशन को बैक कर देना है। और देखिए, अब मैं यहां पर आपको ये मेरे पास एक और फ़ोन है, अब ये वाले व्हाट्सएप से मैं ये वाले व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा और उसको डिलीट भी करूंगा आपके सामने। देखिए इस तरीके से यहां पर हम ये हाय का मैसेज लिख रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:20, ठीक है ना। देखिए ये देखिए, हमने एक मैसेज किया है, देख सकते हैं यहाँ पर आ भी चुका है। साथ ही साथ कोई भी हम एक फ़ोटो भी भेजेंगे ताकि इसमें ये भी पता चल जाए कि आपका जो रिकवर डिलीट हुआ फ़ोटो है वो रिकवर हो पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम ये एक ये जो है ये एक थंबनेल है, यही ले लेता हूँ मैं। तो देखिए, हम ये भेज रहे हैं टिकटॉक का पासवर्ड वाला, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर हमने मैसेज के साथ साथ एक इमेज भी भेज दी है जिससे कि इमेज भी रिकवर हो रही है या नहीं तो ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैसेज तो हर एक एप्लीकेशन कर लेती है, लेकिन यहाँ पर आपका वीडियो ऑडियो रिकवर हो रहा है या नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया है और इसको मैं डिलीट फॉर एवरीवन करके आपके सामने यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए, 8:20 पर, 21 मिनट पर ये गया है और 20 मिनट पर ये, अब ये देखिए डिलीट, डिलीट फॉर एवरीवन, ये देखिए डिलीट किया हमने, ये देखिए डिलीट हो चुका है इस तरफ। अब देखिए, यहाँ पर ये वाले फ़ोन पे देखिए मैं जाता हूँ व्हाट्सएप के अंदर, देखिए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 8:20 पे एक मैसेज किया है और 8:21 पे, तो दोनों मैसेज जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर हमें जानना है कि डिलीट मैसेज क्या है, तो इसके लिए देखिए आपको उस एप्लीकेशन में जाना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये मैसेज था, हमने जो हाय का मैसेज लिखा था ये यहाँ पर शो हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर इस तरीके से। साथ ही साथ फ़ोटो है तो फ़ोटो के लिए बैक होना है आपको इस तरीके से। इमेज में जाएंगे तो देख सकते हैं ये जो है डिलीट हुआ फ़ोटो भी रिकवर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको अगर कोई भी व्यक्ति कोई मैसेज या फिर वीडियो ऑडियो किसी भी तरह का कोई भी मैसेज करेगा तो वो वहाँ पर आप बड़े ही आसान तरीके से रिकवर कर पाएंगे, जान पाएंगे कि सामने वाले ने आपको क्या मैसेज किया था। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे वीडियो का नाम होता है टाइटल, वीडियो के नाम पर टाइटल पे टच करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ में आना है, यहां पर लिखा मिलेगा डाउनलोड ऐप, नीले कलर की लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पे टच करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताई इसको डायरेक्ट आप अपने फोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।